नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि आज शाम के 5:40 के उपरांत आप सभी की जिंदगी में जो होने वाला है, खुद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, कोई आसपास ना हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बाद ही राज की बात आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनकर आपकी रंगत खड़े हो जाएंगे। अपने सपने में नहीं सोचा था कि यह वीडियो इतना खास आप सभी के लिए होगा। एक शब्दों में कहे तो यह आपके जीवन के सफलता की चाबी है। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त थे, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारी दुख दर्द संकट परेशानी सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो जरूर ही सच्चे मन से लिखिएगा। तो ले दोस्तों, अब बात करते हैं आगे पूरे विस्तार से किया। आज शाम से आप सभी की झंकार में आखिर क्या क्या बदला होगा, और आपको यह बड़े खुशखबरी आज शाम से देने वाले हैं। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विषय है, कुछ महत्वपूर्ण बात है जहां पर आपको सावधान रहना है। अगर अपने अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको बता दें कि आपके आने वाले जीवन में कोई भी संकट को भी समस्याएं नहीं आएगी, और आपका मन की इच्छाएं पूरी होने वाली है। जो आपको फंसाना चाह रहा है वह भी आपकी कदमों में झुक जाएगा, और जो आपकी सपना है वह भी सच होंगे, और समाज में भी आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको अपने जेब में 3 चीज मात्र रखना है बस। दोस्तों, भगवान हमारे जीवन काल में हमेशा होते हैं, लेकिन उन्हें जगाने के लिए, उनके शक्ति को ग्रहण करने के लिए हमें उनका सेवा करना अति अनिवार्य है। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए जैसे हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को अपनी ओर बदलने के लिए कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र में चीज हैं जिनको हमें अपने पास रखना बेहद आवश्यक है, और आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में शांत दिमाग से देखिएगा, बिल्कुल ये मिस करने की गलती मत कीजिएगा, वरना जीवन भर आप रोते रह जाओगे, कोई भी आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा, खुद आपको अपने मेहनत से अपने जीवन को बदलने होंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। इन्हें ध्यान से अंत तक देखिएगा और आप देखेंगे कि आप सभी का जीवन बदलने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। चाहे आपका कोई भी दुश्मन हो, कितना बड़ा आपके लिए जाल बिछा चुके हैं, वह अपने जाल में खुद फंस जाएगा, और आप सारे जगह पर विजय प्राप्त करेंगे, सारे दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। बस यह 3 चीज आपको अपने पास रखना है। आज के इस वीडियो में हम जिन 3 चीजों के बारे में आपको बता नहीं जा रही है, यदि आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे, और आपके शत्रु भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। इसका कारण यह है कि इन 3 चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है। साथ ही साथ यह 3 चीजें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति कराएंगे, रुपए पैसे को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी, साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई। कि यह दोस्त हो, तो आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको जानने के बाद आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों। अब एक बात हम आपको बता दें, और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं होता है, और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है, वहीं का उपयोग करके अचानक से कई सारे फायदे लाभ अपने जीवन में जोड़ लेता है और तरक्की कर जाता है। दोस्तों याद रखना, इस संसार में तरक्की करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वह है जो हमारे खुद के पूर्वज हमें कुछ सिखा दें, कुछ बता दें, और हम तरक्की कर लें और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना लें, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है, अन्यथा हर एक करोड़पति इंसान की औलाद करोड़पति की हुआ करे, हर एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हुआ करे, तो
तो दोस्तों ध्यान है और सुविधाएं हैं, वे दूसरी पीढ़ी तक बहुत कम ही पहुंच पाती हैं, और यदि धन संपत्ति भी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे पीढ़ी संभाल नहीं पाती है, बर्बाद चला ही जाता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन जाएं, और मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें आप अपने जीवन में आजमाएं जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, और फिर आप फर्क देखें। उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपसे जलेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आज के वीडियो का विषय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है। वीडियो का 11 भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। प्रभु का सीधा प्रेम और आशीर्वाद है, आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में काम तो कर ही रहे हैं, हर एक काम आप कर ही रहे हैं, व्यापार काम धंधे नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना वगैरह वगैरह, तो क्यों ऐसा किया जाए कि इन सभी कार्यों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाए। यदि आप ही कार्यों में जोड़ते चले और कुछ तरकीब है जिन्हें आजमाते चले, तो आपको इन सब कार्यों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें कि एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायण की कथा से बहुत प्रभावित हुआ, और वह कथा कराने का इच्छुक, लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वही तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तू भगवान ने उसे स्वप्न में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा, न केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदि करा पाएगा, साथ ही साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा। और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काटकर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया, तो उसे इतना धन लाभ हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ली, थोड़ा बहुत भोजन आदि सामग्री की खरीद ले ताकि उसका परिवार भी भूखा ना रहे। तो यह थी जिसकी वजह से उसी कार्यक्रम में रोज करता था, परिणाम बहुत अधिक हुआ। तो यही होता है दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है, तो हम काम तो वही करते हैं, उसी मेहनत का, उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है, और इसी को लोग तरक्की करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में जो आप कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस उन कार्यों के साथ इन चीजों को जोड़ना है कि वह को आजमाना है, और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले, दोस्तों हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित हैं और घर में रहकर आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है, पराए इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तो घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिथि संघर्ष करना होता है, और धन उपार्जन के लिए आपको तरह तरह की क्रियाकलाप करनी पड़ती है, तो उसी समय आपको दैवीय शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। जो ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले, तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची हमेशा अपने मुंह में रखकर निकले। जिन दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़कर रख लें और इलायची रख लें, और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख में रखे रहें। जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रमना जाएं, तब तक उसे अपने मुख में रखी रहे, उन्हें तुरंत जमा कर चुके नहीं, उसे निकल जाए। दोस्तों आपको हम बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं, यह बहुत ही कारगर तक की है।
दोस्तों सबसे पहला कार्य की यह दैवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये दोस्तों जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे अधिक से अधिक प्रभावित होने लगेंगे। और यही तो आपको चाहिए अपने कार्यस्थल पर कि लोग आपसे प्रभावित रहे, आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहे। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा। तो अब ये तो ठीक है, आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकल। अब हम आपको बताते हैं, आप अपना पर्सों तो रखते ही होंगे अपनी जेब में। अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं, काफी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। यह दोस्त वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह व्यक्ति के ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है जैसी आप धन को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके यहां तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है। और यदि आप फर्स्ट नहीं रखते हैं तो इससे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगे और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। और दोस्तों को ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का, छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा, इलायची हाथी होनी चाहिए, सूची इलायची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा शमी पत्र बहुत ही आवश्यक है। शमी पत्र, चौथा 11 चावल के दाने और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। अब इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग की पेंट से 6 बार श्री श्री लिखेंगे दोस्तों, यानी कि जो माता लक्ष्मी का सूचक है 6 बार आपको लिखना होगा। 6 जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार सही लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत ही कारगर उपाय है, आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आपके बिगड़े हुए काम भी बढ़ने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा आएगा। दोस्तों अब आपने उसी कागज में जिसमें कि आपने 6 बार श्री लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा, कलावा, जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस ये कि धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो। दोस्तों आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है। और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने भाई तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जय हो या पेंट कीजिए, को बाएं तरफ कीजिए। मैं आपको सिर रखकर निकलना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं, या दोस्तों आप देखें कि तैसी आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उपाय इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे, लेकिन अब यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिषाचार्य उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं
और लोग हंसते हुए रुपए देवी देते हैं, और जब रुपए दे देते हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है। तो उसको तो हम आपसे यह इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे ना आने दें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगेगी, दूषित भी हो जाएगी। तो आपको 7 दिन तक ही इस सामग्री का उपयोग करना है। उसके बाद आप इस सामग्री को, चांदी का सिक्का आप निकाल लें और उसे गंगा जल में धूल है और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अगले शुक्रवार को, यानी शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामग्री चली गई, और अगले शुक्रवार को आप उन्हें नई सामग्री से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है। आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में भी आपको बताया था, जो कि घर की तिजोरी के लिए था, लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी, लेकिन सामग्री बढ़ जाती है। उसमें इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहां आप पंकज संचय करते हैं, तो वहां सामग्री यानी वहां ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एकाग्र हो, केंद्रित हो, तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए उसकी सामग्री थोड़ी सी से अलग रही है, लेकिन दैनिक सामग्री है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में एक बार भी बदल सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्त। फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाकर निकला करें। यह दोस्तों और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी शरीर में एक शुक्र पर्वत होता है, उस शुक्र पर्वत पर आप इतना अवश्य लगाया करिए। आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। तो यह शुक्र पर्वत कहां होता है? अब इत्र तो आपके घर में होगा ही, उसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है, कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आ जाता है। अब उस शुक्र पर्वत कहां है, तो आपकी जो हथेली है उसमें जो अंगूठा है, उस अंगूठे की जड़ में, यानी कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है, अंगूठे के नीचे का उबला हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की विधि भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी, आपको वह विधि जरूर आजमानी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में डॉक्टर सुविधाएं बढ़ेंगी, संघर्ष कम होने लगेगा। शुक्र जो है वह धन वैभव का आग्रह है, आपके जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करता है, तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम आपको बता देंगे, जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगाकर हल्की सी मसाज अवश्य कर लिया करें। दोनों हाथों के सुख पर्वतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रखकर मसाज करनी है। इत्र लगा ले और मसाज कर ले, हल्की सी थोड़ी सी करनी है आपको, एक आध मिनट के लिए, और फिर आप घर से बाहर निकले देखेंगे आपकी आपका दिन बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा। अब कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नजर लग गई। आपकी बुराई पहली, नकारात्मकता तो नजर से ही आती है। अब नजर कोई जानबूझ कर दे या अनजाने में भी दे दे, नजर जरूरी नहीं कि कोई जानबूझकर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी। आपको बुरा नहीं करना चाहता, बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपको नजर लग जाएगी। ये दोस्तों, अब उससे आपको कैसे बचना है, तो उसके लिए उपाय जो हम आपको अपने कई वीडियो में बता चुके हैं, इस बार भी बता देते हैं कि आपको लौंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। दे दो तो आपको यह मानकर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी, चाहे आपके काम को लगे या आपके व्यापार को लगेगी। आपके काम धंधे नहीं तो आपके जो आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर से आपको ही लग जाएगी, तो फिर उस नजर से आपको बचना बहुत आवश्यक है। यदि आप वही नकारात्मक ऊर्जा
अपने घर में लिए गए तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कई तरह के विध्वंस मचा सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। ये दोस्त और उसे छोड़ दो लौंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, एक लोगों का जोड़ा अपनी जेब में रख ले। हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग लड़की में आजमाती है, प्रयोग करते हैं, काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फायदे अलग अलग होते हैं। तो आपको भी अब यही करना है, लोन का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर बाहर निकले और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे शाम के समय अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है तो आपको वह गांव का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है। पीछे मुड़े बिना, पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है। आप किसी को बिना दिखाई दिए कर सकते हैं, आप फिर ऐसे ही लोगों को जोड़ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता गायब होने लगेगी और आपको नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं। आप याद रखें कि बड़ी से बड़ी उद्योग धंधे व्यापार तक ठप हो जाती है सिर्फ नजर लगने की वजह से, और बड़ी से बड़ी सफलताएं भी धूल में मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, बस एक छोटी सी नजर की वजह से, क्योंकि नजर लगते समय जरूर छोटी होती है लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, क्योंकि जैसी ऊर्जा होगी वैसे ही अन्य युवाओं को आकर्षित करेगी। तो एक नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है। तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है और फिर आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होगी कि नहीं। तो अब ये तो थी सामान्य सी बात है जो आपको अपने जीवन में आजमानी है। अब बताते हैं वही तीसरी बात, इसे एक कोड कहते हैं। जी हां दोस्तों, अंक शास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है। अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं, पहली बार बताने जा रहे हैं और इस अंक को आपको कैसे प्रयोग करना है ये भी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही आवश्यक कोड है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में कोड ऑफ वेल्थ कहा जाता है, यानी दौलत का अंक कहा जाता है। जिसके पास ये कोड होता है उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करे अपनी उन्नति को रोकने क्यों ना लगे, लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप समझ गए इसकी शक्ति कितनी ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिए कि यह कोड क्या है और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। एक सफेद रंग का कागज लेना है, चौकोर कागज लेना है आपको छोटा सा, और उस कागज पर हरिजन की पेन से आपको यह अंक लिख देना है। अंक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और आप ध्यान से सुने, हम बोल भी रहे हैं। अंक है 19962147। बस आपको यह अंक लिख लेना है और इस कागज को रिकॉर्ड में उड़ना है। दोस्तों आप देखेंगे ये कागज आपको कुछ इस प्रकार से मुड़ना है कि इसका एक ट्रायंगल बनेगा। कौन बनेगा? तीन कोना वाला। आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है। जैसी आप धन की पोटली को अपने पर सियाचीन में रखेंगे वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकले उस समय आपको ये अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहे भले ही दिलचस्पी ले या ना ले, लेकिन आपको फायदा होगा। आपके पैसे का काम चुटकियों में बजाया करेगा तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगेगी। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक पूरा क्रम होता है, एक नियम होता है, पूरे संस्कार होते हैं जिन्हें आजमाना पड़ता है, फिर बदलाव आते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी दोस्तों। वैसे ही बहुत सारे हमारे जो सप्लाई डिव्स है वर्क कंप्लीट करते रहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबे होते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाए। घर के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं होगा, और बहुत सारे लोग हमारे कॉन्टेक्ट को कॉपी भी करते रहते हैं। इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बनाकर दे दे,
तो आपको यह बातें सुनने को मिल जाए। लेकिन पहली बार यह बातें YouTube पर केवल हम ही लेकर आते हैं, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आ जाना है, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए इसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी, और वह यह है कि आपकी राशि के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे और सत्य की राह पर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे तब मिलेगा। बस सर एक ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, सत्य की राह पर चलना है, गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, साथ वीला पर पूजन लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ती चली जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, ताकि आपको कहीं भी जीवन में रुकावटें आए ना। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपका वीडियो से संबंधित है, जो कि अवश्य होगा ही, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको बातें ही ढेर सारी बधाइयां ली है, यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का निश्चित तौर पर जवाब देंगे, इस बात का हम वादा करते हैं आपसे। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, महाबली हनुमान जी और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा, भरपूर कृपा आपको रात होगी, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।